दोस्तों, क्या आपके भी स्नैपचैट अकाउंट पर जो है वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? मान लो कि दोस्तों, अगर आप किसी बंदे को जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बार बार जो है वो कैंसिल हो जा रही है। मान लो कि जैसे कि मैं यहाँ से जो है इस रिक्वेस्ट को भेजता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद मैं फिर से मैं उसकी चैट को ओपन करता हूँ तो फिर से यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जा रही है। बार बार मैं जो है वो उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजता हूँ पर वो रिक्वेस्ट जो है वो बार बार जो है वो कैंसिल हो जा रही है। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप स्नैपचैट पर जो है वो किसी बंदे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बार बार आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो पर बार बार आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जा रही है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो आखिरकार आपको आ क्यों रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मान लो कि दोस्तों आप किसी बंदे को जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वो बंदे की रिक्वेस्ट जो है वो बार बार कैंसिल हो जा रही है। मान लो कि मैं यहाँ से जो है वो इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो ये रिक्वेस्ट जो है वो जा तो रही है, जैसे कि मैंने इसकी चैट को ओपन किया है, जैसे कि मैंने इसके अकाउंट को ओपन किया है, तब तक तो यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट चली गई है। पर जैसे ही मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद में अगर मैं तुरंत ही मैं इस चैट को ओपन करता हूँ तो यहाँ से जो है वो ये रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जा रही है, फिर से मेरे को जो है वो ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, अगर आपके स्नैपचैट अकाउंट पर भी जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि जिस बंदे को आप जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस बंदे ने जो है वो आपको ब्लॉक कर दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो आपको आ रही है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप उस बंदे को जो है वो बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो और तुरंत ही जो है वो बैक जाने पर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जा रही है, फिर से ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों जिस बंदे को आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जिस बंदे को आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उस बंदे ने आपको जो है वो ब्लॉक कर दिया है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, स्नैपचैट पर होता क्या है, अगर आपको कोई बंदा जो है वो ब्लॉक कर दे तो आपको उसका अकाउंट तो शो होता रहता है, जिसके कारण जो है वो आपको पता नहीं चलता कि आपको जो है वो दूसरे बंदे ने ब्लॉक किया है या नहीं किया है। पर दोस्तों, अगर आपके स्नैपचैट अकाउंट पर जो है वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि दूसरे बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप उसको रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। आपके मैसेज तो जाएंगे पर उस बंदे तक जो है वो आपके मैसेज नहीं पहुंचेंगे, ना ही उस बंदे तक जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। तो दोस्तों, यह कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।